तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार को झटका देकर चीन ने भारत के खिलाफ चली नई चाल। भारत को तबाह करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को दिया खास हथियार, मोदी सरकार के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब की बात, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों को भगवा रंग में रंगे जाने का किया ऐलान, मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, 11 बीजेपी नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, कहा ईवीएम से होती है धांधली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में बस स्टैंड जैसी मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर, कर्नाटक के बीजेपी नेता ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन पत्र, शिवपाल सिंह यादव करेंगे चुनाव प्रचार, भाजपा के लिए बन सकती है बड़ी मुसीबत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चली एक और चाल, पाकिस्तान को दिया खास हथियार। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने मोदी सरकार को झटका देते हुए पाकिस्तान को एक खास हथियार देने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए और भारत को तबाह करने के लिए अब एक और चाल चल दी है। इसके तहत चीन ने पाकिस्तान को एक खास हथियार देने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके तहत चीन अब पाकिस्तान को भारतीय सैटेलाइट का पता लगाने वाले रडार सप्लाई करेगा। इस रडार का नाम SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार है। इस रडार के जरिए पाकिस्तान भारतीय सैटेलाइट का अंतरिक्ष में पता लगा सकेगा कि भारतीय सैटेलाइट कहां पर है और इन्हें तबाह भी कर सकेगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन के SLC-18 स्पेस सर्विलांस रडार को जुहाई में चल रहे अंतरराष्ट्रीय विमानन और एयर स्पेस प्रदर्शनी में पहली बार सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया है। बता दें कि इस रडार की लंबाई 10 मीटर है। ये रडार हर तरह की परिस्थिति में काम कर सकता है। इसने कई लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का पता लगाया है। चीन के इस रडार में पाकिस्तान की दिलचस्पी है और वो इसे खरीदना चाहता है, और चीन ने भी पाकिस्तान को यह रडार देने का ऐलान कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यानी भारत को तबाह करने के लिए चीन ने नई चाल चल दी और पाकिस्तान को यह खास हथियार देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका, एमसीडी चुनाव में भाजपा के 11 नेताओं ने छोड़ा साथ, आप में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा के कई स्थानीय नेता सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी के वार्ड नंबर 53 से बीजेपी के 11 नेता बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा में उनकी मेहनत को कभी मान्यता नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये नेता पिछले 15 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन से संबंधित कोई मुद्दा उठाया तो अधिकारियों ने उनकी अपेक्षा की। इसी के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए लगभग 11 नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका दिल्ली में भाजपा को एमसीडी चुनाव से पहले लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, किया ऐलान, भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम से होने वाली वोटिंग में वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 2014 में उनकी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। स्वामी की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ प्रतीकात्मक बदलाव किए हैं जिनकी जांच करने की आवश्यकता है, और उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो ईवीएम की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाकर ईवीएम की जांच कराने के बाद ही इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी इससे धांधली करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा सांसद ने ही बीजेपी की पोल खोल दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूलों को भगवा रंग से रंगे जाने का किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से नया विवाद शुरू प्रदेश में कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक के स्कूल के क्लास रूम के भीतर हिजाब को प्रतिबंधित करने पर जमकर विवाद हुआ था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। हालांकि इन सभी के बीच राज्य की बीजेपी सरकार ने विवेका योजना के तहत राज्य भर में शुरू की जा रही 10,000 कक्षाओं को भगवा रंग में रंग
मांगने का फैसला किया है। जी हां, और मुंबई सरकार के इस फैसले को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 992 करोड़ रुपए की लागत से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के नाम पर 10,000 से अधिक कक्षाओं का निर्माण करने की योजना बना रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कुलबर्गी में बाल दिवस के अवसर पर जो सरकारी स्कूल है उन सभी सरकारी स्कूलों के क्लासरूमों को भगवा रंग से रंगा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी भगवा रंग को अब शिक्षा में भी घोल लिया। आपकी क्या राय दोस्तों इसी बीच? बढ़ते तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन पत्र, शिवपाल के सवाल पर अखिलेश बोले हम सब साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव मौजूद रहे, लेकिन शिवपाल यादव नहीं दिखे। इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। नामांकन के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये नेताजी की यादों का चुनाव है, इसमें अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। वहीं शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव ने साथ न आने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि नामांकन सादगी से करने आए हैं, हमारे जो है वो सब साथ हैं। यानी डिंपल यादव के लिए अब जो है शिवपाल सिंह यादव वोटिंग मांगेंगे और वो खुलकर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के साथ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी बीच। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक में बस स्टैंड जैसी मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कराई दोस्तों कि कर्नाटक के बीजेपी सांसद प्रताप सीमा ने मैसूर ऊटी रोड पर मस्जिद जैसे बस स्टैंडों पर बुलडोजर चलाने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। सांसद प्रताप सीमा ने कहा है कि मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा है, बस स्टैंड में दो गुम्बद हैं, किसी भी कीमत पर जितने भी बस स्टैंडों में गुम्बद हैं वो हर कीमत पर तोड़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद की तरह दिखाई देते हैं और हमें ऐसे बिल्कुल भी बस स्टैंड नहीं चाहिए। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो खुद बुलडोजर लेकर जाएंगे और मस्जिद जैसी आकृति में बने बस स्टैंडों को तोड़वाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा सांसद ने किस तरह से खुलेआम ये धमकी दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ रावत ने ही अपनी सरकार पर उठाए सवाल, कहा पहले 20% कमीशन फिर होता है यहाँ पर काम। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपनी पार्टी के प्रति हमलावर हुए हैं। तीरथ सिंह रावत धामी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। तीरथ रावत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो प्रदेश में चल रही कमीशन खोरी का खुलासा करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता। वीडियो में बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत कमरे में बैठे दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश में कमीशन खोरी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूं और शायद मुझे यही कहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर काम तब होता है जब 20% कमीशन सरकार को मिल जाती है। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे यहाँ पे जम के रिश्वत चल रही है, जम के धांधली की जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बदलेगा भारत जोड़ो यात्रा का रूट, दिल्ली में हुई कांग्रेस महासचिवों की बड़ी बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस महासचिवों की मीटिंग में भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केस वेणुगोपाल ने कहा है कि रूट में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु संबंधित पीसीसी बिना तारीख बदले यदि रूट में छोटे सुधार मांगती है तो रूट का बदलाव किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय महाराष्ट्र में चल रही है और गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब गुजरात की बारी है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में जो है राहुल गांधी प्रचार करने के लिए जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा को एक दो दिन के लिए छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को कभी भी बंद कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार तेलंगाना में अगले चुनाव में सत्ता में आती है तो राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। यात्रा के तेलंगाना के कामारेड्डी जिले से महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले जुकल विधानसभा सीट पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में अस्पतालों का निजीकरण किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, कोई भी किसान ये महसूस नहीं करता कि खेती एक लाभदायक उद्यम है। उन्होंने कहा है कि जब अगर हमारी सरकार बनेगी यहाँ पर तो हम हर कीमत पर किसानों का सबसे पहले कर्ज माफ करेंगे क्योंकि तेलंगाना में किसान परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। तो बीजेपी सांसद बोली शराबी करते हैं सबसे ज्यादा बलात्कार।
दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं के बीच पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी नेता ने इसकी वजह बताई है। टीकमगढ़ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उमा भारती ने कहा कि बलात्कार की घटनाओं के लिए शराब एक प्रमुख वजह है। पूरे बलात्कार नशाखोर लोग ही करते हैं, वहीं अधिकतर जो ड्राइवर दुर्घटना करते हैं वह भी पिए हुए ही होते हैं। उमा भारती ने कहा कि महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अन्य अपराध में मध्य प्रदेश में जो ऊपर आ गया है उसकी वजह शराब और नशा है, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने शराब को जो है बलात्कार की वजह बताया है। आपकी क्या राय दोस्तों कि शराब पीने से बलात्कार होते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके